हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी ठीक हैं और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बजे हुए हैं और हम भी लग गए हैं अपने कामों में। और गाँव में तो सुबह की शुरुआत ऐसे ही होती है, झाड़ू, चूल्हा, बर्तन, गोबर, सानी, इसी से शुरुआत होती है सुबह की। तो हम भी करने जा रहे हैं चूल्हा की पुताई। और आज हम थोड़ा जल्दी जाग गए हैं क्योंकि हमारी भाभी जाने वाली है अपने मायके, और उनके भैया आ रहे हैं लेने के लिए। तो वो आज अपने मायके जा रही है तो हम थोड़ा जल्दी जाग गए। वैसे तो भाभी काम करती है लेकिन वो अपनी तैयारी में लगी है, तो हम कर देते हैं चूल्हा की पुताई और मम्मी हमारी बर्तन धुल रही हैं और हम बाकी का काम बाद में करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। और बहुत काम है गांव में, तो इतना काम बना ही रहता है, कितना भी काम ना हो लेकिन थोड़ा बहुत काम तो बना ही रहता है। और सर्दी भी अब बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से काम थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनकी वजह से काम बना ही रहता है। तो देखिए, जो सुबह का काम है वो हो गया है और अब हम लगा रहे हैं झाड़ू। तो चूल्हा हमारा सूख गया है तो अब इसमें बनेगी चाय, सभी लोग चाय पियेंगे और बाद में बाकी का काम होगा। तो चलिए, बने रहिए आप लोग वीडियो में। जहाँ पे हमारा खाना बनता है यानी चूल्हा के पास हमने झाड़ू लगा दी है। और यहाँ पे बकरी बांध दी जाती है रात को, सर्दी इतनी ज़्यादा होती है तो इनको अंदर ही बांधा जाता है। तो इनको भी हमने खोलकर बाहर बांध दिया है, धूप निकल आई है थोड़ी थोड़ी। और अब हम इनके यहाँ भी झाड़ू लगा देते हैं और फिर हम बाकी की झाड़ू लगाएंगे। पूरे घर में हमको झाड़ू लगानी है। और इधर अब हम आ गए हैं कमरे में। तो इन बोरियों में चावल मिले थे, ये जो कोटा में चावल बंटते हैं वही चावल हैं। तो इनको हम टंकी में भर कर रख देते हैं और भाभी के हैं, अम्मा के हैं, सभी लोगों को मिलते हैं तो इस वजह से ये अलग अलग बोरी में रखे थे। तो इनको हमने एक ही में भर के रख दिया है। और कहीं यहाँ बोरी रखी है, कहीं वहाँ बोरी रखी है, घर है छोटा और सामान बहुत ज़्यादा है तो सब इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है। तो उनको सही से रख दिया है हमने और यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और तब तक भाभी के भैया आएंगे तो भाभी अपनी तैयारी बना रही है, अम्मा खाना बना रही है, हम झाड़ू लगा रहे हैं। और देखिए, अब हम आ गए हैं बाहर। तो सुबह थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। और इधर दूधिया ने भैंस का दूध भी निकाल लिया है। तो अब ये जानवर चारा खा लेंगे तो इनको बांधने जाया जाएगा प्लाट में और फिर इसके बाद में हम बाहर झाड़ू लगाएंगे। और दोस्तों, हम अपने मायके में रहें या ससुराल में, सुबह उठते ही सबसे पहले हम झाड़ू लगाते हैं। जब तक हमारी झाड़ू नहीं लग जाती तो ऐसा लगता है कि हमारा काम अभी हुआ ही नहीं है। और झाड़ू लग गई थी ये मान लो पूरा काम हमारा हो गया, क्योंकि झाड़ू में ही टाइम लगता है और हमको साफ़ सफाई ज़्यादा ही अच्छी लगती है। कोई कोई होता है कि एक बार झाड़ू लगा देता है, लेकिन हम अपने घर में कम से कम 3-4 बार झाड़ू लगाते हैं। सुबह लगा दी, फिर दोपहर में लगा दी, फिर लगाई और शाम को फिर लगाई, ऐसे लगाते ही रहते हैं झाड़ू। और अम्मा हमारी साग बनाने जा रही है तो देखिए, जानवर बांधने के लिए चले गए हैं प्लाट पे, दादा बांध आए हैं। तो जानवर के पास भी हमने साफ़ सफाई कर दी है जहाँ पर बांधे जाते हैं। और अब हम जा रहे हैं, झाड़ू हमारी लग गई, अब हम दूसरा काम करेंगे।
और अब हम आ गए हैं अंदर। तो यहाँ पे अम्मा हमारी नहाने लगी थी। अम्मा कह रही थी कि चूल्हा जला दो तो इसमें साग बनने के लिए रख दिया जाएगा, तो साग बनेगा और अम्मा जब तक नहा के आ जाएंगी तो वो खाना बनाएंगी। भाभी तो अपनी तैयारी में लगी है, तो हम चूल्हा जला देते हैं और साग बनने के लिए रख देते हैं। बने रहिए आप लोग वीडियो में। और इधर देखिए हमारी सुहानी भी जाग गई है। ये डेली हमारे साथ में जाग जाती है, लेकिन आज हम थोड़ा जल्दी जाग गए थे तो ये अभी तक सोती रही है। और ये 7:30-8 बजे है तब ये जागी है। और अम्मा ने इधर साग काट दिया है, ये देखिए अम्मा बहुत अच्छा साग काट लेती है, हमसे तो बड़ा बड़ा साग बनता है। तो हम साग बनने के लिए रख देते हैं और ये साग बनता रहेगा तब तक अम्मा नहा करके आ जाएंगी और हम करेंगे सुहानी के मालिश। तो साग हम डाल दिए हैं और ये बनता रहेगा जब तक अम्मा नहा के आएंगी। और तैयारी करके रख देते हैं, लहसुन छील देते हैं, यही सब तैयारी कर देते हैं तो अम्मा बनाएंगी। और देखिए अम्मा नहा करके आ गई है, तो अम्मा ने साग छौंक दिया है और अब बना रही है रोटी। और ये आज बाजरा की रोटी बन रही है, आज हमारे यहाँ पहले दिन बाजरा की रोटी बन रही है। शाम को आटा पिसवाया गया था और चना के साग की वजह से बाजरा की रोटी बन रही है। वैसे तो नहीं बनती है हमारे यहाँ, लेकिन जब चना का साग बनता है तो चना के साग में बाजरा की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं बाजरा की रोटी, चना का साग तभी बन रही है। और वैसे रोटी भी बनेगी, गेहूँ के मतलब आटा की रोटी भी बनेगी। तो और अब हम कर रहे हैं सुहानी के मालिश, तो चलिए मालिश कर देते हैं सुहानी के और फिर हम नहाएंगे, मीठी को नहलाएंगे। सुहानी को तो नहीं नहलाएंगे और भाभी ने भर दिया है पानी, तो हम नहा लेते हैं और मीठी को भी नहला देते हैं। और इधर देखिए मीठी को नहला दिया है, तो अम्मा लगा रही है मीठी के तेल और भाभी भी तैयार हो गई है, उनके भैया आ गए हैं लेने के लिए, तो भाभी भी अपना तैयार हो गई है। और भाभी तो खाना खा चुकी है, लेकिन हमने अभी खाना नहीं खाया, अम्मा ने नहीं खाया है। हम सोच रहे हैं जब भाभी लोग चली जाएंगी तभी खाएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में इतना बनता कहाँ है। और इधर देखिए अमृता और देवांश ये दोनों जा रहे हैं, और ये है भाभी के भैया जो देवांश को लेकर आ रहे हैं, यही लेने के लिए आए हैं। तो ये रुके नहीं हैं और बस आए, और भाभी पहले से ही तैयार थी, बस लेकर के चले गए। तो सबसे पहले अमृता और ये बैग और ये भैया इनको छोड़ आएंगे रास्ते में, जहाँ सवारी मिलती है वहाँ तक छोड़ आएंगे, और इसके बाद में भाभी और देवांश को लेकर के जाएंगे भैया, क्योंकि गाड़ी में सभी लोग बनते नहीं तो पहले दो दो लोगों को छोड़ देंगे। तो इनको छोड़ करके आएँगे तब भाभी को ले जाएंगे। और इधर देखिए भाभी भी तैयार होकर आ गई हैं बाहर, और भैया भेज कर आ गए हैं उनको, तो अब जा रही है भाभी। और ये देखिए हमारा देवांश ये जा रहा है बेचारा, अब हमारी सुहानी अकेले हो गई, वैसे साथ में दोनों खेलते रहते हैं। तो अब भाभी जा रही हैं और ये अब देखो कब खिचड़ी करके आती है, कब आती है ये तो नहीं पता, ये ऊब जाएंगे तो जल्दी ही आ जाएंगी वो। और ये एक लोग हैं हमारे मोहल्ले की, सुहानी को लेकर जा रही थी, तो मीठी हमारी बहुत रो रही थी और मीठी हमारी रोती रही, फिर ये आ गए थे चाउमीन बेचने वाले, मोहल्ले की हैं, तो मीठी हमारी बोल रही चाउमीन खाएंगे बर्गर खाएंगे, तो हमने कहा कि ठीक है बनवा लो। तो ये चाउमीन और बर्गर दोनों चीज़ लेकर के आई है खाने के लिए।
तो मीठी खाएंगी, चाउमीन और बर्गर। और हम खाने जा रहे हैं साग चावल रोटी। ये देखिए, चना का साग, बाजरे की रोटी और चावल। और फिर खाना खाने के बाद हमको बर्तन धुलने हैं, तो हम बर्तन धुल लेंगे। और नहा तो हमने सुबह ही लिया था, अभी कपड़े हमारे धुलने के लिए बाकी हैं, तो कपड़े भी धुलेंगे। और भाभी चली गई है, इस वजह से ये सब कर रहे हैं हम, नहीं तो भाभी ही करती रहती हैं। और अम्मा चली गई है खेत, क्योंकि खेत से बरसीम काट के लानी थी, और खेतों में काम है, गेहूं में लाही है तो उसी को उखाड़ना है, तो वो ये काम करने के लिए चली गई है। तो हम बर्तन धुल लेते हैं, और बर्तन धुलने के बाद दूसरा काम करेंगे, कपड़े धुलेंगे। और सुबह से काम शुरू हो जाता है, शाम तक लगे ही रहो फिर भी काम बंद नहीं होता है। और अपना तैयार होने के लिए तो एक भी टाइम नहीं मिलता है कि बाल बांधे कब क्या करें, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। किसी किसी दिन शाम को टाइम मिलता है, और ये रात ना आए तो काम कभी ख़त्म ना हो, दिन में काम इतना बना रहता है। तो सुहानी हमारी सो रही है, तब तक हम ये बाकी का काम कर लेते हैं। और इधर दोस्तों बर्तन हमारे धुल गए हैं, और बर्तन धुलने के बाद हम कपड़े धुलेंगे। नहा तो हमने सुबह ही लिया था जब भाभी जा रही थी उसके पहले, लेकिन कपड़े ये डाल दिए थे, कपड़े धुलने का टाइम नहीं था, तो अब हम कपड़े धुल रहे हैं। और दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि आपका चैनल मोनो हो गया है, आपकी पेमेंट आने लगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमारा चैनल मोनो नहीं हुआ है, जब होगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अब तो हम वीडियो बना बना करके थक गए हैं, ऐसा लगता है सब कुछ बंद कर दें, लेकिन आप लोग हमें हिम्मत देते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, और भगवान सबको देता है, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगी, इस वजह से आप लोगों के कहने पर और मनोबल हमारा बढ़ता है, तो हम आगे वीडियो बना रहे हैं। नहीं, लेकिन हम तो थक चुके हैं, ऐसा लगता है सब बंद कर दें। और कुछ लोग हैं जो हिम्मत देते हैं, और कुछ लोग हैं तो मजाक बना लेते हैं कि ये सब क्या दिखाती है, क्या करती है। तो आप लोग ही बताइए कि हम क्या दिखाएं, हम जो भी होता है हमारे घर में, जैसा काम होता है, जैसा जो कुछ भी होता है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, जिनके चैनल है वो तो सभी लोग जानते हैं, और जिनका चैनल नहीं है वो लोग तो एक मजाक बना कर रख देते हैं। पर दोस्तों हम बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि हमें हिम्मत देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, और आप लोगों की वजह से हम आज दिन भी वीडियो बना रहे हैं और आगे बनाएंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो हम बराबर वीडियो बनाते रहेंगे, हमारे पास जो कुछ भी है हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।